हाँ जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम ब्रेक पे गए थे, ब्रेक पे जाने के बाद हमने इसमें कुछ नहीं किया, लिहाजा अब हम करने लगे हैं। थोड़ा सा ये ब्राउन हो गया है, सोते हो गया, लिहाजा अब हम इसे इसके अंदर दूसरे अज्जा डालेंगे। डालेंगे क्या, हम इसमें करी पाउडर डालेंगे, जस्ट 1 टेबल स्पून ऑफ करी पाउडर। करी पाउडर बेसिकली थोड़ा सा माइल्ड होता है, माइल्ड स्पाइसी सा होता है, और इसमें हम डालेंगे। करी पाउडर डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा ऐसे मिक्स करेंगे। और इसमें हम डालेंगे टमाटो पेस्ट, जस्ट 1 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट हमने डाला है इसमें, और इसे हम फिर हिलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो, चॉप टमाटो पील किया हुआ 1 कप, और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक, कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, नमक हसबे ज़रूरत। काली कुटी हुई काली मिर्च डाल दी इसमें हमने, थोड़ी सी हसबे ज़रूरत डाल दीजिए, आपको जितना स्पाइसी खाना है, अगर ज़्यादा खाना तो थोड़ा ज़्यादा डाल दे। हमने जस्ट 1/2 टीस्पून के बराबर डाला है, और इसे हम डाल के थोड़ा सा पकाएंगे। इसे अच्छी तरह से भुनेंगे हम गालबन, कि टमाटर जो है बिल्कुल मैश हो जाए, जैसे सॉस ग्रेवी टाइप की बन जाती है टमाटर की, वो बन जाइए। देखिए इसका कलर और इसकी ये, हम देखते हैं कैसा है। गुड। अच्छा, यहाँ पर पार्सली हमारी चॉप्ड हो रही है, ये होगी थोड़ी सी चॉप। अच्छा, तबूले की रेसिपी मैं आपको बता रहा था, तबूले के अंदर क्या करते हैं, पार्सली को फाइन चॉप कर लेते हैं। जैसे ये मैंने, ये तो बहुत फाइन है, इससे थोड़ा सा मोटा रखते हैं उसको, और इसकी सैलड बना के खाते हैं। उसके अंदर लेमन जूस और लेमन सॉल्ट डालते हैं, लेमन सॉल्ट भी डालते हैं, लेमन जूस भी डालते हैं, थोड़ा सा नॉर्मली सॉल्ट डालते हैं, थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर, बिल्कुल मामूली सा। अच्छा, और उसमें उसके बाद उसमें बुरगुल होता है, बुरगुल कहते हैं हम, जैसे दलिया, साबुत दलिया जो होता है, जौ का दलिया, जो जो आप उसे कह रहे हैं बारले जिसे कहते हैं, वो डालते हैं, बेसिकली अरबी में उसको बुरगुल कहते हैं, वो डालते हैं। उसे क्या करते हैं, उसे भिगो के रख लेते हैं काफ़ी देर तक, तकरीबन 1-2 घंटा, ताकि वो सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर वो एज इट इज़ उसे डालते हैं, कच्चा बॉयल नहीं करते, कच्चा डालते हैं थोड़ी क्वांटिटी में। अगर आपके पास 1 किलो पार्सली है तो उसमें हार्डली आप 2 खाने के चम्मच डालेंगे बुरगुल, ठीक है। फिर उसे डाल के उसको सर्व करते हैं किसी प्लेट में, बॉल में डाल के, उसके ऊपर थोड़ा सा चॉप टमाटो ऊपर से करके गार्निशिंग के तौर पर डालते हैं। ये अरब में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, और तकरीबन हर अरब में, मिडल ईस्ट के अंदर ये हर खाने की टेबल पे इनके लाजमी होगा, ये बुरगुल, एक बुरगुल, एक हुमस, और एक ये बीन्स। बीन्स उनके नाश्ते में मस्ट है, मस्ट। बीन्स जिसे हम कहते हैं फूल मदामिस, फूल बेसिकली सऊदी अरेबिया में ज़्यादातर खाते हैं, अरब इजिप्शियन भी खाते हैं ज़्यादा, फूल मदामिस उसे कहते हैं। ये मैंने रमज़ान के प्रोग्राम में अपने बताए थे लास्ट ईयर, और रमज़ान के प्रोग्राम में मैंने बताया, जो कि बहुत फेमस है। आप गए होंगे उमरा हज के लिए, तो आपने मदीना में या मक्का में आपने देखा है, मक्का के हरम के बाहर जो सारी दुकानें हैं वहाँ पर, वो तांबे के सुराहियाँ सी होती, बड़ी बड़ी, उनके लंबे से इतने मुंह होते हैं, पीछे से इतनी खुली होती है, जैसे हमारे मटके होते हैं,
उसमें वो बीन्स रखी हुई होती है, नीचे चूल्हा जल रहा होता है। लिहाजा ये हो गया बिल्कुल, इस पर सोते हो गया अच्छी तरीके से। अब हम इसमें क्या करना है, थोड़ा सा ये रेड किडनी बीन्स डाल देना, 1 कप, ठीक है, 1 टिन ले लें या 1 कप जो बॉयल करके आप ले लीजिए, आपने उसे फुल बॉयल कर लेना बीन्स को। अब इसे पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है जी, नमक हमने डाल लिया, इसमें थोड़ा सा पानी हमने डाला है, ऑलिव ऑयल हमने इसमें डाला है तकरीबन, आपको पहले बताया था, थोड़ा सा पानी डालेंगे, जस्ट 1/4 कप, ज़्यादा वाटरी नहीं होगा ये। इसमें लाजमी नहीं है कि आप ब्रेस्ट का पीस लें, इसमें आप लेग पीस भी ले सकते हैं। वेल A1, ये हो रहा है। और यहाँ पर अब हमने चॉप पार्सली कर ली। हुम्मस का मैं बता रहा था, हुम्मस भी चले साथ साथ मैं आपको हुम्मस की रेसिपी भी बता देता हूँ। ये तैयार हो जाएगा, पक जाएगा, तो फिर हम इसमें डालेंगे इसे, और इसे सर्व हम किस में करेंगे, एक प्लेट में लेता हूँ। बस ये हो रहा है हुम्मस की रेसिपी हम आपको बाद में बताएंगे, ये पक रहा है, जब तक हम लेकर आते हैं छोटी सी शॉर्ट ब्रेक, कहीं ना जाइएगा, फिर हम आपको हुम्मस की रेसिपीज भी बताएंगे, और जब तक ये डन हो जाएगा इसकी प्रेजेंटेशन भी बताएंगे आफ्टर दिस ब्रेक।